आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया और आज प्रमुखता से अखबारों में छपा भी है कि उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो कम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बॉन्ड यूपीए के टाइम के ऊपर जो शुरुआत करी गई थी उसकी वजह से वो पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज कम नहीं कर सकते। इस वाक्य में उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई मध्य प्रदेश के एक मंत्री के वक्तव्य में सच्चाई होगी या नहीं होगी, आप खुद देखें, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज की महंगाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 1957 1947 के भाषण की वजह से आज की महंगाई हो रही। तो जितनी सच्चाई मध्य प्रदेश के उस मंत्री के उस वक्तव्य में है उतनी ही सच्चाई निर्मला सीतारमण जी के वक्तव्य में है। आज हम सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं, जो महंगाई पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही है और उसकी वजह से जो दूसरी महंगाई बढ़ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह है कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस 3 गुना बढ़ा दिए गए। अभी मैं आंकड़ों के द्वारा आपको बताऊंगा और वो सब आपको हम लोग देंगे कि पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टोटल टैक्सेस 3 गुना बढ़ा दिए गए और सब्सिडी 12 गुना कम कर दी गई। 12 गुना सब्सिडी कम करी गई है पेट्रोल डीजल के अंदर। आज हम ये रिकॉर्ड के ऊपर कहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी आरोप लगाना चाहती है केंद्र सरकार के ऊपर, कहना चाहती है कि आम जनता की जेबों के ऊपर बोझ केवल इसलिए यह मोदी सरकार डाल रही है कि उन्होंने सब्सिडी को 12 गुना कम कर दिया और टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आज पेट्रोल और डीजल की मार साधारण जनता को पड़ रही है। अब मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन निर्मला सीतारमण जी आप तो केवल भाजपा की उस बात को फॉलो करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि झूठ से बैर नहीं, सच की खैर नहीं। तो सच की तो कोई खैर नहीं और झूठ से कोई बैर नहीं, और झूठ को गले लगा करके जिस तरीके से मोदी जी का भाषण हुआ उसी को ये आगे लेकर के चले। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 2020-21 के अंदर 4,53,000 करोड़ रुपया 4,53,000 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई है पेट्रोल और डीजल से। और बावजूद इसके कि आप ये सोच सकते हैं कोरोना काल के दौरान पेट्रोल और डीजल की बिक्री कम हुई है, बावजूद इसके 4,53,000 करोड़ रुपए। और कांग्रेस का जो आखिरी वर्ष था 2013-14 वो उस साल के ऊपर हम लोगों का 1,72,000 करोड़ के करीब का हमारे समय का टैक्स कलेक्शन था, जो 1,52,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन था 2013-14 में, जो कि 3 गुना बढ़कर के 4,53,000 करोड़ का हो गया। हमारे समय के ऊपर 1,52,000 करोड़ का था जो अब बढ़कर के 4,53,000 करोड़ का हुआ है। और सब्सिडी हमारे आखिरी वर्ष के अंदर सब्सिडी 1,47,000 करोड़ थी, 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी थी। और अब सब्सिडी इस वर्ष कितनी है? सिर्फ 12,231 करोड़, सिर्फ 12,000। हमारे समय के ऊपर इससे 12 गुना ज्यादा 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी थी, और 12 गुना सब्सिडी घटा करके 12,000 करोड़ के ऊपर ये लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से आज साधारण जनता के ऊपर मार पड़ रही है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जिस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन शुरू होते ही पहले 5 मार्च 2020 को 3 रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर इन्होंने एक्साइज बढ़ाया, फिर 5 मई को 2 महीने के अंदर अंदर ही डीजल पे 13 रुपया और पेट्रोल पे 10 रुपया एक्साइज बढ़ा दिया। तो एक्साइज जिस तरीके से बढ़ाते गए और अब उसकी हालत यह होगी कि पिछले 15 महीनों के अंदर पेट्रोल 32 रुपया 25 पैसे बढ़ा है और डीजल 27 रुपये 58 पैसे बढ़ा है। ये हम लोग इस चीज को आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन ये ऑयल बॉन्ड की बात करते हैं, असल में ये क्यों बढ़ रहा है? ये बड़ी एक बड़ा सोच का विषय है कि यह रेट जो है क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, सरकार क्यों इसको बढ़ा रही है। सरकार साधारण जनता के ऊपर जो बोझ डाल रही है
वो कहीं से बोझ तो कम हो रहा है जो साधारण जनता के ऊपर डाला जा रहा है, और वो सीधे सीधे कॉरपोरेट टैक्स के कलेक्शंस में जो कमी आ रही है सरकार उसकी भरपाई साधारण जनता के साथ में कर रही है। आप लोगों को याद होगा कि सितंबर 2019 को जो कॉरपोरेट टैक्स का जो बेस रेट था इस सरकार ने उसको कम करके 30% से 22% कर दिया, और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का 25% से घटा करके 15% कर दिया। लिहाजा उसका असर यह हो रहा है कि जो टोटल जो कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन है वो 1,00,000 करोड़ रुपया कम हो गया, 1,00,000 करोड़ रुपया केवल कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कम हो गया है। 5,57,000 करोड़ का 2019-20 में था, जो कम होकर के 4,57,000 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन कम हो गया। तो उस कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन की जो कमी जो हुई है उसकी भरपाई करने के लिए साधारण जनता के ऊपर वोट डाला जा रहा है, और साधारण जनता के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा करके उन लोगों के साथ में वसूला जा रहा है। हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर को रियायत देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, और जो अनाप शनाप खर्चे सरकार इस कोरोना काल के अंदर कर रही है अगर उसको रोके तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मदद हो सकती है और साधारण जनता के बोझ के जेब पर भी बोझ नहीं पड़ सकता है, ये सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में और डिटेल जो है ये जो नोट हम आपको देंगे उसके अंदर दिया हुआ है विस्तार से कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्स जो उसका टोटल जीडीपी का जो कंपोनेंट है कॉर्पोरेट टैक्स का वो कैसे कम हुआ है। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स 17-18 में टोटल जीडीपी का 3.34% था, और अब 2021 में वो 3.34% से घट करके 2.32% टोटल जीडीपी का हुआ है। तो जो टोटल जीडीपी का के अनुपात के अंदर जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसके अंदर बहुत भारी गिरावट आई है, और उसका कारण जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 सितंबर में किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट टैक्स के बेस रेट्स को कम किया गया, और जिसका आज खमियाजा साधारण जनता के जेबों के ऊपर पड़ रहा है। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं जिसकी शुरुआत करी थी, ऑयल बॉन्ड्स के ऊपर। ऑयल बॉन्ड्स, निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि ऑयल बॉन्ड्स के सर्विसिंग की वजह से, ऑयल बॉन्ड्स जो हम लोगों ने यूपीए सरकार ने जो लिए थे, जो फ्लोट करे थे, उसकी वजह से वो एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रही। हम लोगों ने आपको एक ये पूरा का पूरा जो चार्ट हम लोग आपको बना करके दे रहे हैं, इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने दिया है कि 2014-15 से लेकर के अब तक के कितना पैसा केंद्र सरकार को ऑयल बॉन्ड्स की सर्विसिंग के लिए देना पड़ा। आज कुछ अखबारों ने भी इसको जिक्र किया है। 2014-15 में प्रिंसिपल रीपेमेंट जो केवल एक बार करने की जरूरत थी 3,500 करोड़ रुपया, और इंटरेस्ट पेमेंट हर साल लगभग 9,990 करोड़ के करीब हर साल दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के पिछले 7 वर्षों के अंदर ऑयल बॉन्ड के सर्विसिंग और रीपेमेंट के ऊपर 73,400 करोड़ रुपया केवल खर्च हुआ है, 73,400 करोड़ रुपया, और 73,400 करोड़ रुपया ऑयल बॉन्ड की सर्विसिंग के ऊपर 7 वर्ष में खर्च हुआ है, और 7 वर्ष के अंदर टैक्स कलेक्शन कितना हुआ है 22,34,000 करोड़। तो 22,34,000 करोड़ रुपया जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें से केवल 73,440 करोड़ रुपया यानी सिर्फ 3.2% टोटल टैक्स कलेक्शन में से ऑयल बॉन्ड के में खर्च हुआ है, सिर्फ 3.2%। तो 3.2% सिर्फ आपका टैक्स कलेक्शन में से ऑयल बॉन्ड की सर्विसिंग में खर्च हो रहा है, और आप टैक्स को 3 गुना आप बढ़ा रहे हो, सब्सिडी को आप जो है कम करके 12 गुना सब्सिडी कम कर रहे हो, तो ये किस चीज से आप इस चीज का कैसे क्या एक्सप्लेनेशन आप देते हो, और घूम फिर करके आप ऑयल बॉन्ड के ऊपर आते हो। मैं आप लोगों को इस बीच में और बताना चाहता हूं कि ऑयल बॉन्ड कोई यूपीए या कांग्रेस ने शुरू नहीं किया था। पहला ऑयल बॉन्ड 1 अप्रैल 2002 को 9,000 करोड़ रुपए का वाजपेयी जी की सरकार ने उसको फ्लोट किया था, सबसे पहला ऑयल बॉन्ड, और उसका जो दे डेट थी, जो उसकी रीपेमेंट डेट थी, वो 2009 को थी, जो कि यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। तो हम लोगों ने तो कभी भी इस चीज का शोर नहीं मचाया कि 9,000 करोड़ रुपया वाजपेयी जी
दे करके चले गए, क्योंकि ये इतना छोटा अमाउंट होता है ऑयल बॉन्ड का, सर्विसिंग का, टोटल टैक्स कलेक्शंस में से, कि इस चीज का असर नेग्लिजिबल होता है और इसी वजह से ये फ्लोट किए जाते हैं। तो आप सोचिए कि पूरे के पूरे टैक्स कलेक्शन में से सिर्फ 3.2% जिसमें से खर्च होना है, और अभी भी इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का टोटल ऑयल बॉन्ड के ऊपर रीपेमेंट का और इसके इंटरेस्ट का, दोनों का इस वर्ष खर्च होना, और 5 लाख करोड़ से ऊपर का टैक्स रेवेन्यू आने वाला है। तो 5 लाख करोड़ में से सिर्फ 20,000 करोड़ रुपया देने की जरूरत पड़ेगी। तो 20,000 करोड़ रुपया अब जो है ऑयल बॉन्ड पे देना पड़ेगा, और कांग्रेस अपने समय के ऊपर 1,50,000 करोड़ के करीब जो है सब्सिडी दिया करती थी, और आपको सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का आपको ऑयल बॉन्ड का आपको वापस रीपेमेंट करना है, जो कि मुश्किल से 3% के करीब आपका पड़ता है। तो कैसे आप ये कह सकते हो कि एक्साइज ड्यूटी हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बॉन्ड को यूपीए ने लिया है? तो ये सरासर झूठ है। तो कृपया झूठ बोल करके लोगों को गुमराह ना किया जाए। निर्मला सीतारमन जी और मोदी सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं, और ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री के अंदर ये उल्टा सीधा चलाना बंद करें, सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं। लोगों की जेबों पे आप डाका डाल रहे हैं, इसलिए डाका डाल रहे हैं कि आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर, हम दो हमारे दो, अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो आप लोगों ने उनको टैक्स में रियायत दी है, उसका टैक्स का भरपाई करने के लिए आप लोग खमियाजा भुगताने के लिए आम जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, ये हमारा सीधा सीधा कहना मोदी सरकार को है। तो इसलिए हमारी सीधी सीधी मांग ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी कम हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कम नहीं हो रहे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? सीधे के सीधे एकदम से कम किया जाना चाहिए, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाना चाहिए, दूसरा हमारा कहना ये है। और तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एकदम से अपनी एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने बढ़ाई है पिछले 7 वर्षों के अंदर, उसको वापस लेकर के, जब तक जीएसटी में नहीं लाते, जब तक उसको वापस ला करके यूपीए के टाइम की जो पेट्रोल और डीजल है उसको अगर करें तो एकदम से सीधे के सीधे 30 रुपए पर लीटर तो सीधे के सीधे लगभग कम हो जाएगा, क्योंकि लगभग इतना ही पैसा इन्होंने एक्साइज में बढ़ाया है। तो हमारी ये 3 मुख्य मांगे हैं केंद्र सरकार से। तो बहानेबाजी करना बंद करें, एक्साइज को खत्म करें, अंतर्राष्ट्रीय खुदरा मूल्य के जब प्राइजेस कम हुए हैं तो इसमें भी प्राइजेस कम होने चाहिए, यह हमारी मांग है। और सीधे सीधे हम लोग केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि बहानेबाजी बंद करें। कभी आपके मंत्री कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 1947 की स्पीच की वजह से आज महंगाई बढ़ रही है, कभी आपके मंत्री कहते हैं कि ऑयल बॉन्ड जो यूपीए ने करा था उसकी वजह से बढ़ रही, हमने तो नहीं कहा था कि इसकी शुरुआत वाजपेयी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड आप लोगों ने शुरू कर इस वजह से बढ़ रहा। तो दूसरों के ऊपर, अब तो 7 वर्ष हो गए आपको सत्ता में आए हुए, तो दूसरों के ऊपर आप लोग इल्जाम लगाना बंद करें, खुद अपने घर को और अपने महकमे को ठीक करें, दुरुस्त करें, ताकि देश की जनता को इस महंगाई से राहत मिल सके। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।